मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुसुंडा फतेहपुर मार्ग पर गुरुवार रात्रि मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। 24 घंटे के अंदर गया पुलिस ने किया मामले का उद्भेदन। प्रेम प्रसंग में युवक की पत्नी ने ही अपने माता पिता, प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पति के मुंह व नाक में फेविक्विक डालकर की थी हत्या। एसएसपी आदित्य कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी। यहाँ एक मुहिम चलाई है कि लोग अचानक वाहन चेकिंग वगैरह करते हैं, अचानक उसी क्रम में 21-22 की रात में भुसंडा फतेहपुर रोड पे एक मोटरसाइकिल, एक दृष्टि पार्टी थी उनको नज़र आई, तो उस पर एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति जा रहे थे, पीछे एक बोरा था, उन लोगों को शक हुआ तो उनका पहले हाथ से रुका नहीं रुके तो उनको जाकर पीछा किया। 1 किलोमीटर बाद जब पीछा करने के बाद वो मोटरसाइकिल छोड़ के दोनों युवक भाग गए, बोरा वहीं रह गया। जब बोरा खोल के देखा गया तो उसमें एक लाश मिली, एक युवक की लाश मिली। उस युवक की लाश को देख के उसका जो मुंह था और उसकी नाक में पूरा फेविक्विक डाल के उसको पूरा जाम किया हुआ था और बहुत ही विभत्स तरीके से उसको मारा हुआ था। उसमें एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अविनाश कुमार द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। उसकी मोटरसाइकिल थी, उसकी बैक ट्रैकिंग शुरू करी, बैक ट्रैकिंग शुरू करने में बहुत मेहनत से इसने 3 लोगों को बेचा था। इसने पहले जहाँ बेचा था उससे उसके पास गया, फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया, फिर जाके मृतक की आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से इसका तकनीकी साक्षी जुटा के इसका एक निकाला गया कि कौन कौन व्यक्ति थे, क्योंकि अनजान इलाका था। उस क्रम में पता चला कि जो मृतक था उसकी जो वाइफ है जूली, वही इसमें मेन करता करता थी। बात इसलिए ये है कि जूली है ये इसके अवैध संबंध एक दूसरे व्यक्ति से थे जो उसके साथ, ये ग्रेजुएट है लड़की जो उसके साथ ग्रेजुएशन में पढ़ता था, लगभग 1-1.5 साल पहले भी लड़की को उसके हस्बैंड ने उसके साथ अवैध अनैतिक रूप में देखा था, तो उसी के बाद उनकी मार पिटाई भी हुई। और सबसे अजीब बात इसमें यह है कि इसमें उसके लड़की के माँ बाप भी शामिल हैं और इसके एक कज़न है वो भी इसमें शामिल है। लोगों ने अपने घर में उसके बेटे के सामने उसको पहले उसके नाक उसको बंद किया, उसकी नाक में सब घुसाया ताकि जब उसका दम घुट गया तड़प के, उसके बाद उसको बांध के मुझे में रस्से से बांध के उसको जलाने ले आ रहे थे। इसी क्रम में वहाँ उनके घर से जो केरोसिन था वो भी बरामद हुआ और नमक का पैकेट जलाने के लिए जो ले आ रहे थे ऊपर लाश पर डालने के लिए वो भी बरामद हुआ। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, महिला की, मृतक की जो जो वाइफ थी जूली उसकी अरेस्टिंग हुई है, एक दुर्गा साव उसका लड़की का पिता, उसकी माँ संजू देवी। इसमें DSP वजीरगंज द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य कराया गया इसमें पूरी टीम के साथ, और इसमें मॉनिटरिंग जो थी एडिशनल SP साहब की मॉनिटरिंग लगातार रही, और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर इसका सफल उद्भेदन हुआ। जो कि लाश को कहीं भी फेंक के चले जाते तो फिर बाद में अज्ञात में केस करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को भी मिली है, IG महोदय द्वारा भी इसमें तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है और मेरे द्वारा भी पूरी टीम को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और इसका हम लोग स्पीडी ट्रायल कराएंगे क्योंकि हमारा लगभग एविडेंसेस सारे कंप्लीट हैं, चेन ऑफ एविडेंसेस पूरी कंप्लीट हैं, उसमें अरेस्टिंग हम लोग की ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, एक अरेस्टिंग रहेगी वो भी संभवतः आज कल हम लोग करेंगे, उसको 10 से 15 दिन के अंदर इसमें स्पीडी ट्रायल करा के कंडीशन कराएंगे। कारण क्या था? हाँ बिल्कुल, इसमें लड़की जो थी, लड़की की शादी इस लड़के से हुई थी और इसका अवैध संबंध भी था पहले एक लड़के से, इससे बाद में इसके संपर्क बने, उसके साथ ही 2-3 बार उसके हस्बैंड ने इसको पकड़ा भी है, उनकी आपस में मारपिटाई भी हुई। तो इन लोगों ने जो लड़की के माँ बाप थे इन लोगों ने और लड़की ने डिसाइड किया कि इस लड़के को मार देते हैं, तो उसके साथ चल गया। ये भी बड़ा विकृत रूप है समाज का, और क्योंकि उसके बेटे के सामने मारा था तो काफ़ी विभत्स क्राइम किया गया। इसमें हायर नहीं किया गया था, लड़की का जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है उसमें वो भी शामिल था और उसका एक दोस्त शामिल था, इनके लिए भी छापेमारी चल रही है। उन लोगों ने पकड़ा था मगर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो था दूसरा था, वो दूसरा व्यक्ति नहीं होता।